आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। हाल ही में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व द्वारा प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्रीमती अर्चना जायसवाल को महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंपते हुए मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्रीमती जायसवाल की नियुक्ति से इंदौर के कांग्रेस जनों में काफी हर्ष का माहौल दिखाई दे रहा है। लगातार श्रीमती जायसवाल को बधाई दी जा रही है। इसी क्रम में इंदौर में केंद्रीय साई सेवा समिति से जुड़े लोगों ने श्रीमती जायसवाल को घर पहुंचकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधि एवं मानव अधिकार समिति के प्रदेश सचिव एडवोकेट सुश्री विनीता पाठक की अगुवाई में श्रीमती जायसवाल को पुष्पहार एवं मोमेंटो भेंट कर केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व का आभार भी माना गया। इस अवसर पर सुश्री पाठक ने श्रीमती जायसवाल को नंबर वन बताकर बधाई देते हुए कहा कि दीदी के नेतृत्व में प्रदेश में महिला कांग्रेस के माध्यम से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी बल्कि महिलाओं के जटिल मुद्दे भी पूरी मजबूती के साथ सरकार के सामने रखे जाएंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती अर्चना जायसवाल ने अपनी नियुक्ति पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ का आभार मानते हुए कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के अभियान को शुरू करने के साथ ही महंगाई एवं अन्य मुद्दों पर विरोध करते हुए महिला अत्याचारों को लेकर सरकार को घेरने का अभियान अतिशीघ्र शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही के कोरोना काल में महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष मांडवी चौहान की असामयिक निधन के कारण प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ था। श्रीमती अर्चना जायसवाल वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस की महिला उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थी तथा सन 2010 से 2015 तक भी महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी हैं। शनिवार को श्रीमती जायसवाल के स्वागत सम्मान अवसर पर सर्वश्री रवि वर्मा, समीर जोशी, चंद्रकांत कुंजीर, चंदू भैया, गौतम पाठक, दिलीप चावला, शुभम यादव, सौरभ यादव एवं दिलीप ठक्कर सहित बड़ी संख्या में केंद्रीय साई सेवा समिति से जुड़े पदाधिकारी व कांग्रेस जन उपस्थित थे। इस दौरान सुश्री पाठक ने श्रीमती जायसवाल को अपने भतीजे के जन्मदिन का आमंत्रण भी दिया। लगातार स्वागत सत्कार का दौर चल रहा है, असीम प्रेम दिखाई दे रहा है सभी लोगों का, क्या कहना चाहेंगे आज यादव जी की? तो पहले सोनिया गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और आदरणीय कमलनाथ जी, सुष्मिता देव को, कि उन्होंने पुनः मुझे इस पद पर लाया गया है और जवाबदारी भी ज़्यादा है और चुनौती भरा समय है। और मैं सभी हमारे कांग्रेस के जनों को और सभी को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि 2023 आने वाले इसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी, त्रिस्तरीय पंचायत और जो उपचुनाव होने सभी में कांग्रेस विजय होगी, क्योंकि भाजपा की पोल अब खुल चुकी है। हमारी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस घर घर जाके बताएगी किस तरह से पेट्रोल के, डीजल के, गैस की टंकी के जो भाव बढ़े हैं सीधा असर महिलाओं पे हुआ है। चाहे कोरोना के कारण जो परेशानी हो, रोजगार चले गए, उन्होंने गैस की टंकी महंगी कर दी, सारी महिला उत्पीड़न, सारा चीज़ जो है वो पूरा महिलाओं के ऊपर आया है। तो हमारी महिला कांग्रेस की बहनें घर घर जाके बताएंगी कि जो महिलाओं पे अत्याचार हुए हैं, जो भी हैं, इसकी दोषी सिर्फ भाजपा सरकार है। अभी दो दिन साहब भोपाल में थे, क्या किस तरह की नई रणनीति बनी? देखिए, पूरी रणनीति ये तैयार की गई कि पहले सबसे पहले आने वाले समय में त्रिस्तरीय ये तीन चुनाव विधानसभा के हैं, उपचुनाव और एक लोकसभा का चुनाव है।
उन उपचुनाव की रणनीति बनेगी, किस तरह दमोह की तर्ज पर चुनाव लड़ा जाए और ये चारों जो सीट है ये आने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव की दिशा तय करेंगे। ग्रास रूट लेवल पर वर्कर काम करेगा, कार्यकर्ता काम करेगा, मंडल बूथ सेक्टर पर काम करेगा और कांग्रेस को जिताएगा और महिलाएं घर घर जाके भाजपा की पोल खोलेगी। जायसवाल को महिला कांग्रेस की दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनी है, किस तरह की खुशी आज आप महसूस कर रहे हैं? सर ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार में ये जिम्मेदारी आई है। अर्चना जी मेरी बड़ी बहन है और निश्चित हम लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि कुछ जिम्मेदारी अभी हमें परिवार में चाहिए भी थी और ये कमलनाथ जी ने जो हम पे भरोसा करके जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से हम पूरे प्रदेश में दीदी के साथ महिला संगठन को बढ़ाते हुए प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी का प्रदेश की छोटी छोटे गांवों के स्तर पर पंचायत के स्तर पर जाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे और आने वाले जो नए अगले विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस की सरकार बनाएंगे मिलजुल के मजबूती के साथ। लोग पूरा केंद्रीय स्थायी समिति भी आई है, कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार आया है, अर्चना दीदी को बधाई देने क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी आपको महसूस हो रही है? मुझे तो जितनी खुशी वो तो सबको दिखता ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बुआ को जी, उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है और हम लोग पूरा उन्हें सपोर्ट करेंगे, उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। आज देखा केंद्रीय स्थायी समिति पूरी साथ में आई है, साथ ही कांग्रेस का जो पुराना आपका साथी है सभी लोग आए, क्या कहना चाहेंगे? सभी में खुशी की लहर है, मन ही मन सब उत्साहित भी हैं और सब बुआ के सपोर्ट में भी हैं और सभी लोग मिलके उनके साथ उनकी सारी जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए पूरा सपोर्ट देंगे। आज एक इनविटेशन भी दिया, उसमें एक नंबर भी लिखा हुआ था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक नंबर तो इसलिए दिया है क्योंकि वो बन भी गए हैं एक नंबर और आएंगे भी एक नंबर और रहेंगे भी एक नंबर, इसलिए एक नंबर दिया है। आपका नाम तरीके से निभाइए।